Hello students, in this video lecture we are going to discuss about type of chemical reaction. Basically there are main five different type of chemical reactions, that is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction. So friend, in this video lecture we are only discuss about four different type of chemical reaction, that is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. So friend, let's discuss about our first reaction, that is combination or synthesis reaction. जो combination reaction है friend, basically synthesis reaction भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि जब हम combination reaction को perform करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, synthesis होती है किसी एक different compound की. So according to the definition, the reaction in which two or more substance combine to form a single new substance are called combination reaction. सो फ्रेंड, जैसा भी हमने कहा सिंथेसिस रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं, तो डेफिनेशन से क्लियर है कि हमारे पास इस टाइप की रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा हमारे पास सबस्टेंस कंबाइन करते हैं और उनसे क्या होता है, हमारे पास नए सबस्टेंस फॉर्म होते हैं. सो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास सिंथेसिस होता है न्यू कंपाउंड्स का या न्यू सबस्टेंस का. जब हम इनकी क्लासिफिकेशन की अगर डिस्कशन करें तो हम इनको क्लासीफाई करते हैं जो इसमें रिएक्टेंट है उनके बेसिस पे. अगर हमारे पास रिएक्टेंट इनमें एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स कंबाइन होके भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर्म कर सकते हैं, और दो डिफरेंट कंपाउंड्स भी आपके क्या कर सकते हैं, कंबाइन होके कॉम्बिनेशन रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं और किसी एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर सकते हैं. सो अगर हम इसके फर्स्ट टाइप में देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर. तो हाइड्रोजन हमारे पास एलिमेंट है, ऑक्सीजन हमारे पास एलिमेंट है, तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो इनकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आप कह सकते हैं कि H2O फॉर्म होता है, जो कि एक नया सब्सटेंस है. ठीक इसी तरीके से मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रिपेयर होता है. यहाँ पे Mg एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और आप कह सकते हैं एक न्यू कंपाउंड हमारे पास फॉर्म होगा. जो नेक्स्ट टाइप है उसमें हम कंसीडर करेंगे, एक हमारे पास एलिमेंट होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड होगा. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड. अगर एग्जांपल देखें तो बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन हमारे पास एलिमेंट है, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक न्यू कंपाउंड जनरेट हो रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है उसमें हम ये कहेंगे कि हमारे पास दो कंपाउंड आपस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर्म करेंगे और एक न्यू कंपाउंड को फॉर्म करेंगे. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू कंपाउंड. अगर एग्जांपल देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड टू प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड. सो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये आप कह सकते हैं इसका. सो अगर हम कंसिडर करें इस एग्जाम्पल को तो हमारे पास क्या है कि अमोनिया है NH3 और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. जब इन दोनों की कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर्म आप करेंगे तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा. सो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे NH3 भी कंपाउंड है, HCl भी एक कंपाउंड है और दोनों की कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्या हो रहा है, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है. एक और एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हैं, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो जो हम वाइट वॉश करते हैं घरों में तो जो उसके लिए हम जब यूज़ करते हैं क्विकलाइम को तो वाटर में जब डिजोल्व करते हैं CO कैल्शियम ऑक्साइड को तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है. तो कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, तो इनसे हमारे पास क्या हो रहा है, एक न्यू कंपाउंड जनरेट हो रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो स्टूडेंट इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में कंबाइन करते हैं और न्यू कंपाउंड को फॉर्म करते हैं. जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कहते हैं कि हमारे पास टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन होते हैं या कंपाउंड कंबाइन होते हैं, न्यू कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, बट इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है. यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डिकम्पोज होता है कोई एक कंपाउंड और न्यू एलिमेंट या न्यू कंपाउंड्स को
फॉर्म करता है। सो अगर इसकी डिफाइन देखें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इंटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे हमने कहा कि वो डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोजिशन की डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं। अगर हीट की प्रेजेंस में अगर हम डिकम्पोज कराएँ तो हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, वाइल डिकम्पोजिशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड विद लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। सो हमारे पास थ्री डिफरेंट कंडीशंस हैं जिन पे हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं, जो कि हीट हम कह सकते हैं हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। सो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने अलग अलग कंडीशन को यहाँ पे कंसीडर किया है। सो फर्स्ट एग्जांपल है ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज बाय हीटिंग। सो फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस हमारी एलिमिनेट होता है। तो आप देख सकते हैं इसकी रिएक्शन को, FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो Fe2O3 फॉर्म होता है और SO2 और SO3 हमारे पास फॉर्म होते हैं। सो जो कलर है इसका वो चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये डिकम्पोज होता है Fe2O3 और SO2 SO3 में। सो आप कह सकते हैं कि हीट की प्रेजेंस में हमने FeSO4 को डिकम्पोज किया है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो भी सिमिलर है, हीट के प्रेसेंस में आप डिकम्पोज करें, लेट मी थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। सो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब हम हीट करते हैं तो CO और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हम फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूस लेड ऑक्साइड एंड एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स अकर, दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस को हम लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम लैब में परफॉर्म करते तो काफ़ी हमको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में सीखने को मिलता है। सो अगर आप रिएक्शन कंसीडर करें लेड नाइट्रेट की तो PbNO3 होल ट्वाइस हमारे पास इसका फॉर्मूला है। जब हम इसको हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 और ऑक्सीजन गैस हमारे पास क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। सो हमारे पास जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें ब्राउन फ्यूम्स इसमें प्रोड्यूस होती हैं, जो हमारे पास NO2 की आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फ्यूम्स हैं, जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि हमारे पास NO2 फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में। सो स्टूडेंट इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास फोटोलाइसिस का है। बेसिकली वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड बेसिकली वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जब हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म करता है ये कंपाउंड। Ag सिल्वर फॉर्म होता है, हमारे पास Cl2 फॉर्म होता है। सो जो वाइट कलर है वो ग्रे में टर्न करता है ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ Ag। Ag आपके पास जो सरफेस है ग्रे कलर के आपके पास मेटेलिक सरफेस के साथ होता है, तो दैट इज़ वाई हम ये कह सकते हैं जो वाइट कलर है वो टर्न कर जाता है ग्रे कलर में, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का। वेन वाटर टेक इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन एसिडिफाई विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड अ डायरेक्ट करंट पास थ्रू इट अंडरगो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन टू यील्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट बेसिकली अगर आप बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की तो इसके लिए हमको एक स्पेशल एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास एक बीकर में हम दो मेटेलिक रोड को, जिसको आप इलेक्ट्रोड कहेंगे, उनको डिप करते हैं और इनको हम क्या करते हैं एक बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं, दैट मीन्स हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें जो भी हमारे पास हमारा कंपाउंड है उसको लेते हैं, उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर हम क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, जिससे हमारे पास एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज और सेकंड वाले पे नेगेटिव चार्ज आता है। सो स्टूडेंट ये बेसिकली अपरेटस हम यूज़ करते हैं, हायर क्लासेस में इसका डिटेल डिस्कशन आपको करना है, आप आगे जाके काफ़ी कुछ इसके बारे में सीखेंगे, बट इन दिस स्टैंडर्ड आप ये सिर्फ अपरेटस के बारे में थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट सनलाइट आपको पता है सिंपल एक्सपोज कर देंगे और हीट भी आपको पता है आप बीकर में लेके उसको हीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको एक सेटअप क्रिएट करना पड़ता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को परफॉर्म कराते हैं।
सो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है रिएक्शन का वो है सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट इसको कंसीडर करने से पहले आपको एक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें हमारे पास एक्टिविटी सीरीज है जिसमें हम मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी। सो आप ये कहेंगे कि हम उनकी जो रिएक्टिविटी है, जो केमिकल एक्टिविटी है, अगर उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर एक प्रिपेयर करें, सो उसी सीरीज को हम क्या कहेंगे, एक्टिविटी सीरीज। तो हमारे पास ये सीरीज है जहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और लास्ट में हमारे पास सिल्वर और गोल्ड है। जैसा कि आपको पता है, गोल्ड काफ़ी इनर्ट मेटल है, रिएक्शन नहीं करता है, ज्वेलरी वगैरह तभी हम इसकी फॉर्म करते हैं। वहीं अगर आप पोटेशियम सोडियम को देखें तो ये एनवायरमेंट में हम इनको नेक्ट रख भी नहीं सकते हैं। जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं ऑक्सीजन के या एयर के या मॉइस्चर के, तो अपनी रिएक्शन परफॉर्म कर देते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा कि कैरोसिन में डिप करके रखते हैं सोडियम को। सो काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो आप ये जो सीरीज़ है, इसमें हमारे पास जो ऑर्डर है इनकी रिएक्टिविटी का, वो टॉप टू बॉटम क्या है, डिक्रीज हो रहा है। सो इसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज। सो शॉर्ट वर्जन है ये हमारे पास एक्टिविटी सीरीज़ का। 10th स्टैंडर्ड पे अगर आप कहें तो आपके वो इतना ही रिक्वायर्ड है। आप इसी को अगर देख लें इनको, तो वो सफिशिएंट होता है आपके लिए। हाइयर क्लासेस में आप फिर इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन भी देखते हैं। सो स्टूडेंट, अब आप बात कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच एटम ऑफ वन एलिमेंट रिप्लेस द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। सो स्टूडेंट, बेसिकली अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें होता क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट का एटम आप कंसिडर कर सकते हैं और देन हम एक मॉलिक्यूल को कंसिडर कर सकते हैं। सो हमारे पास एक एटम जो कि किसी एलिमेंट का है, वो क्या करेगा, किसी मॉलिक्यूल में से किसी एक पर्टिकुलर एटम को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, ए हमारे पास एलिमेंट का एटम है और बी हमारे पास एक मॉलिक्यूल में जो एटम है वो है। तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो हमें कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होके मिलना चाहिए, तब हम क्या कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ए की पोजीशन और बी की पोजीशन ए ने यहाँ पे गेन किया है, और जो ए था जो एलिमेंटल फॉर्म में था, वो अपनी जो बी है वो एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। सो स्टूडेंट, ऐसा ही आपको देखना है। अब यहाँ पे जो हमने एक्टिविटी सीरीज का अभी जो हमने कंसीडर की थी, उसका यूज यहाँ पे होगा। सो एलिमेंट विच आर हाइयर इन एक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेस दोस एलिमेंट विच आर प्लेस बिलो देम, एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट बाय आयरन। सो स्टूडेंट, एक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट आपका टॉप पे होगा या जो ऊपर होगा जिस एटम से, वही क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्टिविटी सीरीज में किसी एटम को अगर हम कंसीडर करें, तो उससे ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो उनको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे कॉपर की बात की, कॉपर सल्फेट में CuSO4 में हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं Cu को बाय आयरन। तो अगर आप इनकी पोजीशन देखें तो हमारे पास आयरन यहाँ पे है और कॉपर हमारे पास यहाँ पे, तो आयरन हम कह सकते हैं कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। दैट इज़ वाई हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो FeSO4 प्लस Cu हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी, और जिससे हमारे पास FeSO4 फॉर्म हो जाएगा, और जो हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म है यानी कि जो हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म है, वो कौन आ जाएगा, कॉपर। सो यहाँ पे भी रिएक्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट बाय जिंक। सो अगर आप एक्टिविटी सीरीज को देखें तो हमारे पास जो जिंक की पोजीशन है वो भी हमारे पास कॉपर से ऊपर ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जिंक है वो कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। सो उसका नेक्स्ट एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, जिंक जो सेम है, जिंक यहाँ पे हमने लिया है Fe के प्लेस पे। सो जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, तो कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, जिंक सल्फेट में। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है रिएक्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। सो अगर हम सोडियम को वाटर में डिप करते हैं तो NaOH फॉर्म होता है और हमारे पास H2 फॉर्म होता है। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट आप इसको वाटर को क्या कर सकते हैं,
इस तरीके से भी लिख के आप दिखा सकते हैं। सो हमारे पास एन ए एच को रिप्लेस करेगा और उसका प्लेस खुलेगा तो एन ए ओ एच फॉर्म होगा। तो जैसे आपको पता है हाइड्रोजन क्या होता है, गैस फॉर्म में रहता है, तो हमें इसकी गैस कंपोजिशन लिखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, या अगर आप हाफ साइन नहीं दिखाना चाहते हैं आप, तो आप इसको इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं, प्लस एच टू। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है रिएक्शन का, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको हम मेटाथेसिस भी रिएक्शन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही सिमिलर रिएक्शन है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास एक एलिमेंट फॉर्म होती है, एक हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होती है। हमारे पास जब डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास दोनों ही क्या होंगे, कंपाउंड फॉर्म में होंगे, या आप कह सकते हैं हम मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, एटम्स को कंसीडर नहीं करेंगे किसी एलिमेंट की। तो हम किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे और इसमें क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज होगा किसी एक एटम का। दोनों इसका एक एटम आप कह सकते हैं, जैसे ए को अगर आप कंसीडर कर लें और इसको इसके सी को कंसीडर कर लें, तो इनमें क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा एटम का, और इससे आप ये कह सकते हैं सी बी फॉर्म होगा और हमारे पास ए डी फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो, एक्सचेंजिंग हो जाए, म्यूचुअल एक्सचेंजिंग हो, दोनों जो मॉलिक्यूल हैं वो एक एक एटम की क्या करें, एक्सचेंजिंग करें। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। सो अगर आप एग्जांपल देखें, रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड इन एक्वस मीडियम फॉर्म्स वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखें तो हमने आयनिक फॉर्म कंसीडर किया है, यहाँ पे आयंस को आप देख सकते हैं, ये ए पॉजिटिव बी नेगेटिव प्लस सी पॉजिटिव डी नेगेटिव। अब अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ही एक्सचेंज किया है, या आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव को एक्सचेंज किया। तो ए पॉजिटिव है जिसके साथ बी नेगेटिव था, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे डी नेगेटिव। देन फिर इधर अगर आप देखें तो सी पॉजिटिव के साथ हमने क्या कर दिया, बी नेगेटिव। तो एक्सचेंज हो गया आयंस का, और जो भी हमने एग्जांपल कहा है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स NaNO3 प्लस AgCl। सो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो NaCl था और यहाँ पे NaNO3 हो गया, तो हमारे पास क्या है, आप कह सकते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया आयंस का। ठीक इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल। आप अगर देखें तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, सोडियम एक्सचेंज हो रहा है हमारे पास बेरियम के साथ, तो बेरियम एक्सचेंज कर दे रहा है सोडियम को, वैसे भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जिससे न्यू कंपाउंड्स हमारे क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। सो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।